हेलो दोस्तों, आज हम कूलर की वायरिंग के बारे में बात करेंगे कि कूलर की वायरिंग हम किस तरह से कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली हम जब पिन टॉप को सॉकेट में लगाते हैं तो हमारी सप्लाई पिन टॉप से केबल से होती हुई केबल के तीनों वायर, मतलब रेड, ब्लैक और ग्रीन। रेड वाला हमारे फेस का वायर होता है, ब्लैक वाला न्यूट्रल के लिए होता है और ग्रीन वाला हमारे अर्थिंग के लिए होता है। अर्थिंग बेसिकली ह्यूमन बॉडी को लीकेज करंट से बचाने के लिए हम ग्रीन वाले वायर से हम कूलर की बॉडी को अर्थ कर देते हैं ताकि जो भी लीकेज हो वो इस वायर के होते हुए ग्राउंड हो जाए। आगे नेक्स्ट हम बात करेंगे रेड वाले वायर और ब्लैक वाला वायर। ब्लैक वाला वायर में न्यूट्रल होता है जो कि हम पंप का न्यूट्रल वाला वायर और कूलर की मोटर का जो ब्लू कलर का वायर होता है वो न्यूट्रल का होता है, उसको दोनों को साथ में न्यूट्रल लिंक के साथ में जोड़कर कनेक्ट कर देंगे। आगे हम बात करेंगे फेज़ वाले वायर के लिए। तो फेज़ वाला वायर हमारा रेड कलर का है जो कि वन वे स्विच के दोनों के नीचे वाले पॉइंट पर कनेक्ट हो जाता है। इसमें से हमारा एक वन वे स्विच वाटर पंप का है और दूसरा वाला स्विच हमारे कूलर की मोटर का है। तो इनका जो आउटपुट होता है वह ऊपर वाले पॉइंट से निकाल कर हम वोल्टेज सिलेक्टर स्विच के पी वाले पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं जो कि कॉमन पॉइंट होता है। फिर जो हम कूलर की मोटर यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर चार वायर होते हैं। चारों वायर का कलर ब्लू कलर, ब्लैक कलर और वाइट कलर और रेड कलर। वाइट कलर की जगह मैंने येलो कलर का यूज़ किया है क्योंकि वाइट कलर यहाँ पे शो नहीं करता, तो मैंने उसकी जगह पर येलो कलर का यूज़ किया है। बेसिकली वाइट कलर ही मिलेगा आपको 101% फोर वायर कूलर मोटर में। आगे हम इसकी वायरिंग के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट हम स्पीड के बारे में बात करेंगे क्योंकि ब्लू वाला वायर होता है वो न्यूट्रल से कनेक्ट हो जाता है और उसको हम न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर दिया है। आगे हम बात करेंगे ब्लैक वाला वायर। ब्लैक वाला वायर को सेलेक्टर स्विच के जहाँ पर वन लिखा होता है उस पॉइंट पे जाके कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद जो हमारा वाइट वाला वायर होता है उसको हम टू नंबर पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे और इसी तरह से जो हमारा रेड वाला वायर होता है वो हम थ्री नंबर पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे सिलेक्टर रोटरी स्विच की वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। जब हम यहाँ स्विच ऑन करेंगे और रोटरी स्विच को हम जब वन स्टेप पे सेट करेंगे तो हमारी मोटर थोड़ी सी स्पीड से घूमेगी, फिर हम उसको टू पे ले जाएंगे तो हम मोटर थोड़ी ज़्यादा स्पीड से घूमेगी और जब हम इसको थ्री पे लाएंगे तो हमारी मोटर फुल्ली स्पीड से घूमेगी। तो इस तरह से हम कूलर की मोटर की वायरिंग कंप्लीट करते हैं। आगे बात करते हैं हम वाटर पंप की मोटर के बारे में। तो वाटर पंप की मोटर का जो फेज पिन टॉप से आ रहा है हमने पहले से ही नीचे से वाले पॉइंट से कनेक्ट किया है। फिर जो इसका आउटपुट आ रहा है जब हम स्विच को ऑन किए तो हमारा फेज सप्लाई इस वायर से होती हुई हमारे पंप को मिल जाएगी। तो इस तरह से हमारा वाटर पंप भी ऑन हो जाएगा और पानी को वाटर कूलर की, मतलब कूलर की घास के साथ उसको फ्लो कराएगा जिससे हमें कूलर से ठंडी हवा मिलेगी। तो इस तरह से हम कूलर की वायरिंग को कंप्लीट करते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे साइड में इसके वायरिंग कोड को डिनोट किया है ताकि आप आसानी से वायरिंग को कंप्लीट कर सकें। मैंने ब्लू वाले वायर को न्यूट्रल के लिए इंडिकेट किया है और जो हमारे तीन वायर बचते हैं उसके लिए हमने स्पीड वायरिंग का नाम रखा है जिसमें से ब्लैक, वाइट और रेड। मैंने वाइट की जगह येलो का यूज़ किया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो इस तरह से हम कूलर की वायरिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।